हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा फ्लावर, वो भी केवल घर की चीज़ों को यूज़ करके। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का पेपर लिया है और इसे रोल करके इसका बना दिया है तना, जिसमें हमारा फ्लावर लगने वाला है। और फिर हमने लिया है एक टिश्यू पेपर, उस टिश्यू पेपर को पहले मैंने बीच से कट किया है, फिर उसे एक बार और फोल्ड करके मैंने उसके भी बीच में कट कर लिया है। मतलब अब हमारे पास टोटल चार टिश्यू पेपर के स्ट्रिप्स हैं। फिर उन चारों स्ट्रिप को एक साथ रख के यहाँ पे हम जिगजैग फोल्ड करेंगे। जिगजैग फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बीच में मैं थ्रेड से एक नॉट लगा रही हूँ। आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकते हो, बट थ्रेड मुझे ज़्यादा सही लगा क्योंकि वाइट थ्रेड है, वाइट हमारा टिश्यू भी है तो उसमें मिक्स हो जाएगा। फिर इसके साइड के एजेस को मैंने यहाँ पेटल के रूप में कट कर दिया है। फिर हम इसे अच्छे से ओपन करेंगे। सीजर चलाने के बाद ये आपस में थोड़े चिपक गए थे तो हमें काफ़ी ध्यान से इसे ओपन करना है। तो हमारे जो भी चारों लेयर्स थे उसे एक एक करके हम धीरे धीरे खोलेंगे। ध्यान रहे कि ये टिश्यू पेपर है तो हमें इसमें ज़्यादा अपना ताकत नहीं लगाना है, इसे बहुत ही आराम से हमें ओपन करना है। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और बहुत ही पेशेंस वाला काम है, तो बिल्कुल आराम से करना, गुस्सा मत हो जाना इस पर, नहीं तो ये तो फिर फट ही जाएगा। फिर कैसे कैसे करके मैं अपने लास्ट लेयर पे पहुंची और फिर जो हमारा लास्ट लेयर था उसको ऐसे फैला के एक फ्लावर का शेप दे देंगे हम, और ये हमारा फ्लावर इतना ब्यूटीफुल सा बन के रेडी हो गया है। फिर इसके जो हमारा पेपर रोल था उस पे मैंने एक मास्किंग टेप चिपकाया है और उसे कुछ इस तरीके से कट करके हम इसे और फ्लावर को आपस में चिपका सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा के भी चिपका सकते हो। तो हमारा फ्लावर रेडी है और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी इसका फ्लावर वॉज, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और मिलते हैं अब ऐसे ही नए अमेजिंग वीडियोस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।